प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बापना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। लॉकडाउन ने बड़े बड़ों को परेशान कर दिया, जिसमें कई लोगों का बिजनेस बुरी तरह से टूट गया है। उसके बाद जब से लॉकडाउन खुला है, तब से धीरे धीरे परिस्थितियां पटरी पर आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी है जो पटरी पर नहीं आ सकी है। उनमें से एक है जमीन में पानी निकालने के लिए बोरिंग करने वालों का काम। लॉकडाउन में काम करने वालों के लिए काम नहीं था, लेकिन अभी बोरिंग वालों के पास काम तो आ रहा है और वो काम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डीजल और पेट्रोल ने एक बार फिर से उनकी कमर को तोड़ कर रख दिया है। दरअसल लोगों को काम तो चाहिए, लेकिन डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के अनुसार दाम मिलने में परेशानी हो रही है, जिस वजह से अब बोरिंग के व्यवसाय करने वाले भी आंदोलन के मूड में हैं, एवं पिछले 10 दिनों से उन्होंने काम को बंद करके रखा है और आंदोलन हो रहा है, जहां पर राजू कोचर, नीलेश अग्रवाल, वसंत पाटिल, रवि चौधरी, प्रिंस मेहरा, ज्ञानेश्वर पाटिल, उमेश गुरव, कपिल पाटिल आदि इनकी अगुवाई कर रहे हैं। पहले रेट बहुत कम है, डीजल का भाव बहुत बड़ा हो गया। अपन गाड़ी पे 15-20 आदमी काम कर रहा, वो काम करने का कम रेट में काम किया तो मेरा का थोड़ी भी बगर नहीं मिलेगा। मैं इतने दूर से 2000-2500 किलोमीटर का आगे से गाड़ी लेके आ रहा, इधर मैं खर्चा कुछ भी नहीं मिल रहा। वो पहले रेट में काम किया तो सब मेरा बगर वो डीजल में जा रहा, वो आदमी लोग को बगर देने के लिए नहीं मिल रहा, खाना पीना का कुछ भी नहीं मिल रहा। वो कुछ भी नहीं मिला है तो कैसा मैं काम करेगा, इसलिए यूनियन बना दिया। 4-5 दिन गाड़ी खड़ी है, अभी नया रेट बढ़ गया, वो वही रेट में काम करता, वो दूसरे गाड़ी वाला कुछ भी यही रेट का नीचे काम नहीं करना। साल से कुछ लॉकडाउन की वजह से और कुछ अभी 2.5-3 महीने से डीजल में लगातार बढ़ोतरी के कारण परिस्थिति ऐसी आ गई, ये गाड़ी वालों को कुछ भी पैसे बच नहीं रहे, जिसके कारण लेबर बहुत महंगी, डीजल बहुत महंगा, गाड़ी के ऊपर गाड़ी की कीमतें बहुत महंगी हो जाने के कारण इनको कुछ नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आखिरी में ये गाड़ी वालों ने अपनी गाड़ियां बंद कर डाली। भाई हमको मिलता ही कुछ नहीं है तो हम काम कैसा करेंगे, और काम करके जब प्रॉफिट ही कुछ नहीं तो काम किसके लिए करने का। भाई अच्छे रेट वगैरह ये रिवाइज करने के लिए बोल रहे हैं, नए रेट से काम करेंगे, तो हमारी भी वही इच्छा है भाई इनको भी कुछ मिलना चाहिए, इनको कुछ मिलेगा तो सबका चलेगा, लेबर का चलेगा, बाकी सबका चलेगा। परेशानी सिर्फ इस व्यवसाय को करने वालों के लिए नहीं है, बल्कि इस व्यवसाय से जुड़े मजदूरों पर भी बिजली गिर रही है। बड़ी मुसीबत टूट चुकी है, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है और वह अब भूखे मरने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि व्यापारियों ने भी अपना काम बिल्कुल बंद कर रखा है। व्यापारियों की मांग है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निपटारा किया जाए, ताकि उन्हें आगे काम करने में परेशानी ना हो। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज के लिए।